राज्यसभा सांसद सह झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश नया परिसदन भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सबसे पहले जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी व अन्य सदस्यों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस बाबत प्रेस को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को और मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री के 8 साल बेमिसाल कार्यकाल को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत उन्होंने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का अंतरराष्ट्रीय जगत में गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने के इरादे से भाजपा की केंद्र सरकार काम कर रही है। इस दरमियान कांग्रेस और झारखंड के वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, जिसके कारण आज ईडी दफ्तर का दौर लगाना पड़ रहा है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में अपराध लूट चरम पर है। पथराव मामले में कहा कि 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आधे भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। क्या है, कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को संवैधानिक चीजों पर विश्वास नहीं है। उनके टॉप से लेकर के बॉटम केवल भ्रष्टाचार से मतलब है, इसलिए राहुल गांधी आज ईडी ऑफिस दौड़ रहे हैं। आज दिल्ली में लगातार ईडी ऑफिस दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार के मामले उनके साथ है, और भ्रष्टाचार तो उनके DNA में है कांग्रेस के। इसलिए लोकतंत्र, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इसलिए 1975 में उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया था, लोकतंत्र को बंदिश लगाने का काम किया था, संवैधानिक चीज़ों की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया था और आपातकाल लगाया था। इसलिए उनको न लोकतंत्र पर विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, और इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस अब नेस्ताबूद हो गया पूरे देश में।